चाईबासा के झीकपानी थाना क्षेत्र में आग लगने से दोनों बच्ची की झुलसकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेल खेल में बच्चों ने माचिस की जलती हुई तिल्ली पुआल में फेंक दी, जिससे पुआल में आग लग गई और देखते देखते आग के लपटों ने विकराल रूप ले लिया, जिससे दोनों की झुलसकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस घटना के बाद से गाँव में मातम पसरा हुआ है। सहरसा जिले के बसनही थाना क्षेत्र भरसमधार में एक 9वीं क्लास के छात्र की डूबने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक मृतक अपने घर वापस आ रहा था, जहां चचेरी पुल पार करने के दौरान उसका पैर फिसला और वो पानी में जा गिरा, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झारखंड के जमशेदपुर में एमजीएम थाना क्षेत्र की टीम ने जेंट्स पार्लर में छापेमारी करते हुए 6 महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पार्लर में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा है और इसी आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। गिरफ्तार लोगों से फिलहाल पूछताछ जारी है। सूचना मिला था कि भिलाई पहाड़ी के आसपास कुछ मेंस पार्लर चल रहा है, जिसके सत्यापन के लिए हम लोग थाने से गए और 6 लेडीज और एक जेंट्स को पार्लर से मेंस पार्लर से पकड़ के लाए हैं। आवश्यक पूछताछ चल रही है, पूछताछ के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। ना वैसा कुछ नहीं है, आपत्तिजनक सामान इन लोग के पास से बरामद हुआ, बस ऐसे ही इन लोग। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने तेल कटुआ गिरोह के 8 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि लंबे अरसे से अपराधी फरार चल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई हथियार, लूट की वाहन सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। इसमें सारण मोतिहारी, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में पेट्रोल पंप पर लूटपाट और रोड पर लूटपाट करने वाले गैंग सरगना का पुलिस को पता लगा। पिछली रात पुलिस ने मौकाए वारदात पर बरूराज थाना क्षेत्र में रेड की। रेड के दौरान 6 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 4 कंट्रीमेड वेपन, इसके अलावा लूट का अन्य सामान बरामद किया गया। इस प्रकार पुलिस को रोड पर लूट करने वाले और पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले। चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने दवा घोटाले मामले में फरार चल रहे डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद को लातेहार जिले के बालूमाथ से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि डॉक्टरों पर चतरा में सिविल सर्जन रहते दवा समेत अन्य मेडिकल उपकरण खरीद मामले में घोटाले करने का आरोप है। बताते चले कि चतरा में 1,22,00,000 रुपए का घोटाले में गिरफ्तार डॉक्टर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। जमुई जिले के झाझा नगर पंचायत स्थित एक मकान में 35 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान पंचायत के रहने वाले मुकेश कुमार के रूप में की गई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई। वहीं इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अरे बीस सेट नालंदा जिले में पुलिस प्रशासन होली के मद्देनजर शराब माफियाओं पर गाज गिरा रही है। इसी कड़ी में परवलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां छापेमारी कर पुलिस ने लाखों रुपए की शराब बरामद की है। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के दौरान एक खंडर नुमा मकान से करीब 875 कार्टन शराब का जखीरा बरामद किया गया है। वहीं मौके से पुलिस ने एक महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इलाके में शराब कारोबारियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। गुप्त सूचना मिलती है पुलिस को, नालंदा पुलिस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सूचना मिली है कि एक रामचंद्रपुर में गुप्त तरीके से शराब को भंडारण किया गया है।
और शराब का भंडारण किया गया था अनिल सिंह मनील सिंह इनका नाम आया है जिनके यहाँ भंडारण कराई गई थी। पुलिस उस सूचना पर पहुँचती है, पहुँच करके पुलिस उपाधीक्षक परीक्षमान यहाँ के थाना प्रभारी है इनके नेतृत्व में डिटेल टीम गठित किएगी और इस टीम ने काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए